हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अन अकेडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास। और विश्व के इतिहास में हम लोगों ने अमेरिका की क्रांति के बाद जो दूसरी क्लास शुरू की है उसका नाम है फ्रांस की क्रांति। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये कितना ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक माना जाता है। फ्रांस की क्रांति में बच्चों हम लोगों ने जो क्लास शुरू की वो थी फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने जो क्लास शुरू की वो थी फ्रांस की क्रांति एक परिचय है ना, पिछली क्लास आप लोगों ने जो देखी है। लेकिन इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके क्या हालात थे, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या था, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था, रिलीजियस एंड कल्चरल मैटर कैसा था। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इस पर हम लोग अब बात करेंगे एक एक करके, है ना बच्चों। और ये एक कड़ी के तौर पे आएगी, मतलब ये है कि कोई भी बच्चा अगर एक एपिसोड मिस करता है, पिछली क्लास मिस करता है, तो अगली क्लास को समझने में समस्या होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो है वो कड़ी दर कड़ी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आप कोई स्टोरी अगर आपको दी जाए और 20 से शुरू किया जाए तो आपको वो ठीक से समझ में नहीं आती। उसी तरह से बच्चों इतिहास है, हिस्ट्री इज अ लाइक अ स्टोरी। तो ये है कि बच्चों सारे जो क्लासेस हैं वो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप सारी क्लासेस ज़रूर करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहां पर विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि अनअकैडमी का जो ऐप है, लर्निंग ऐप, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे तो आप अनअकैडमी को फुल टू यूज नहीं कर पाएंगे, आप इसका फायदा नहीं ले पाओगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद, जैसे मान लो आप मुझे यहाँ पे एक बार सर्च करो MOHDNADIM, मोहम्मद नदीम के नाम से अनअकैडमी के ऐप पर मेरी प्रोफाइल है। आपने मुझे सर्च किया, सर्च करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे फॉलो कर दीजिए। फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर ऐप पर मेरी कोई भी क्लास होती है, जैसे स्पेशल क्लासेस होती हैं या ऑप्शनल क्लासेस होती हैं, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन अनअकैडमी की टीम के द्वारा भेजी जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं, यहां से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये अनअकैडमी के वो टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के ऐप पर डिफरेंस टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी जो है वो यूट्यूब के अलावा अपने रिजर्व क्लासेस भी चलाती है। रिजर्व क्लासेस का मतलब ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अनअकैडमी पर एडमिशन लेना पड़ता है, समझ में आ गया। अब एडमिशन लेने के लिए अनअकैडमी के पास दो प्लान्स हैं, ठीक है ना। क्यों, सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों की, क्यों आप एडमिशन लेंगे? तो एडमिशन लेने के लिए, ठीक है ना, क्यों आप एडमिशन लेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ये हिंदुस्तान का सबसे चीपेस्ट प्लेटफॉर्म है। मीन्स बहुत कम फी में आप यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी अपने घर बैठे कर सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप एडमिशन ले के पढ़ते हैं तो अनअकैडमी का जो कमिटमेंट होगा वो आपके साथ होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर यही चीज़ समझना है कि अनअकैडमी के जो प्लान्स हैं, जब अगर आप एडमिशन लोगे तो अनअकैडमी के पास दो प्लान हैं, दो प्लान के तहत ये एडमिशन लेती है। पहला प्लस है और दूसरा आइकॉनिक है। प्लस जो प्लान है ये जनरल प्लान है,
समझ में आ गया, एक जनरल प्लान है, ये नॉर्मल प्लान है, लेकिन इसमें वो सब कुछ मिलेगा जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है। अब इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए क्लासेस आप किसी भी एजुकेटर की क्लासेस रेगुलर कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज ये है कि आप अगर प्लस में जुड़ते हैं तो आपके कोर्स जो है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट करवाए जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इसकी जो फी है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से सस्ती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, 1 साल, 1 साल, 2 साल और 3 साल, ये 3 साल के प्लान आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से आप अपना एक चयन कर लीजिए जो आपके लिए बेहतरीन हो, अफोर्ड जो कर पा रहे हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे आसान चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ कुछ नहीं करना। अगर आपको एडमिशन लेना है, मेरा प्रोफाइल नेम सर्च करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, नीचे आप देखोगे ना तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है ना, आप खोलो, ऐसा करके देख लीजिए। उसमें क्या है कि अब उसमें प्लान सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कि कौन सा प्लान आपको लेना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 2 साल, एक साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद क्या है कि आपसे अगले कॉलम में पूछा जाएगा कि आपके पास कोई रेफरल कोड है, तो आप MNUS डालेंगे। जैसे ही MNUS डालेंगे वैसे ही आपकी जो फी है वो 10% कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए 10% कम होने के बाद जो फी है वो यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं आसानी से, ये चीज़ समझ में आ रही है, एक एक साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्लान आप देख रहे हो ना इसको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं ना, तो दिस इज अ स्पेशल सब्सक्रिप्शन। ओके, व्हाट डू यू वांट, दिस इज अ स्पेशल सब्सक्रिप्शन। इफ यू आर गोइंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज अ बेस्ट सब्सक्रिप्शन। आई विल सजेस्ट यू, यू शुड ज्वाइन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर इन दोनों में बढ़िया क्या है, तो देन आई विल टेल यू, आई विल सजेस्ट यू, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन। व्हाई, क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपको इसमें एक कोच या गाइड मिलेगा, है ना, यू विल गेट अ कोच और गाइड। अच्छा, इंसान क्या चाहता है, एक बच्चे को, एक एक बच्चे की एक बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि उसको कोई जरूरत पर बता दे कि यहां पर आपको चीजों को ऐसे करना है, यहां सुधार करना है। तो ये कोच या गाइड जो होगा ना वो आपकी हेल्प करेगा, हर समय जब आप फोन करेंगे वो आपको बताएगा, ठीक है, इसलिए ये बेस्ट है। अच्छा, इसमें भी देखिए 1 साल, 2 साल और 3 साल का मामला है, इसकी फीस यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है कि जब आप एडमिशन लेंगे तो आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा, रेफरल कोड की जगह आप लिखेंगे MNUS। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 10% फीस आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हर टीचर को एक रेफरल कोड मिलता है अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है ना। रेफरल कोड का फायदा यही है कि ये जो रेफरल कोड है आप यूज करोगे तो 10% आपकी फीस कम हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शनल हिस्ट्री, अगर मान लीजिए ऑप्शनल आपको करना है, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना है, तो आप उसके लिए भी अलग से एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए 1 महीने से लेकर और पूरे 3 साल तक का एडमिशन प्लान यहाँ पर मौजूद है, आप चूज कर लो अपने हिसाब से। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड क्या यूज करेंगे, MNUS। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइस जो है ना वो बहुत जल्द हाइक होने वाली है, मतलब बढ़ने वाली है। तो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द एडमिशन, इफ यू वॉन्ट टू गोइंग फॉर द एडमिशन, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर आप एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो प्लीज जल्दी करिए। आप एडमिशन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया कि इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, बूस्टर सेशन मिलेगा, और भी बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए
यहां पर यह है कि एक बड़ा ऑफर आया है बच्चों के लिए, इसको कहते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। मतलब ये एक ऑफर है अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों एक साथ करना चाहते हैं। इफ यू वॉन्ट टू जीएस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो यू कैन चूज द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। यानी बड़ा अच्छा मौका है। आप देखिए, एक साल की फीस 77,000 से सीधे 70,153 रुपीज पे आ रही है। मींस आपको 14% का जो है इसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर 3 साल के लिए लेते हैं तो 14% का बेनिफिट आपको मिलता है, ठीक है। 1 साल के लिए लेते हैं तो 9% का डिस्काउंट मिलता है। 1 साल के लिए लेते हैं तो 9% का डिस्काउंट मिलता है। 2 साल के लिए लेते हैं तो 11% का डिस्काउंट मिलता है। तो यू कैन चूज द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, इट्स अ गुड ऑफर फॉर यू, एंड हरे अप, जल्दी करें, ठीक है। इसमें भी सेम करना बेटा, इसमें भी सेम है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि 10% आपकी फीस में कमी आ जाए, तो यू शुड चूज द रेफरल कोड MNUS। रेफरल कोड MNUS डालिए, 10% आपकी फीस कम होगी। यानी 14% का जो मजा है वो तो मिलेगा ही, 10% और कम हो जाएगा। तो क्या है, इट्स अ गुड, बहुत अच्छा है ये आपके लिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता ही है कि अनअकैडमी पर इस वक्त जो है एक फेस्टिवल चल रहा है, इस वक्त जो है एक ये तो आप जानते ही हैं कि अनअकैडमी पर इस समय कंपटीशन का प्रोग्राम चल रहा है ना। और कंपटीशन का जो फॉर्मेट है वो ये है सामने, और इसमें जीतने वाले को तरह तरह के इनाम मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो वो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए, अल्टीमेट जीएस बैचेस मतलब जनरल स्टडीज के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर अनअकैडमी कब नया बैच शुरू कर रही है, कब से शुरुआत हो रही है। सो दिस इज अ प्लान, ये प्लान है, इसमें नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इन बैचेस की शुरुआत जो है वो अनअकैडमी के कुछ बेहतरीन एजुकेटर्स के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि सुनील अभिव्यक्ति सर, मोरनाल पटेल सर और सिद्धार्थ अरोरा सर। तो यू कैन ज्वाइन इट। आगे बढ़ते बच्चों, ये देख लीजिए, ये भी बैचेस के अनाउंसमेंट है बच्चों, है ना। आप देख लीजिए, ये जो बैच है ये 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। कब से शुरू हो रहा है बच्चों? 21 दिसंबर से। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा ये बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो यू कैन ज्वाइन इट, यू कैन ज्वाइन इट। और इसमें भी वही है बच्चों की एडमिशन लेने की प्रक्रिया सेम है। आप एडमिशन लीजिए, प्लान्स चूज करिए, और रेफरल कोड जो है वो हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप 10% का बेनिफिट पाना चाहते हैं तो रेफरल कोड की जगह क्या यूज करेंगे? MNUS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लास जो हम लोगों की चल रही है इस समय, फ्रांस की क्रांति है ना। और क्रांति पर एक लाइन मुझे याद आई, किसी ने लिखा है कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना, ठीक है। किसी ने लिखा है कि दीदार की ख्वाहिश हो तो नजरें जमाए रख, दीदार की ख्वाहिश हो तो नजरें जमाए रख, चिलमन हो या पर्दा हो सरकता जरूर है। बच्चों ये जो लाइन है मैंने इसलिए आपको सुनाई क्योंकि डेडिकेशन इज मस्ट फॉर योर गोल। इफ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल यू शुड बी डेडिकेटेड। आपको डेडिकेशन बना के रखना चाहिए। अगर आप अपना लक्ष्य चाहते हैं तो आपको डेडिकेशन बनाकर रखना चाहिए। तो आइए आज की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति में आप लोगों ने पिछली क्लास ली होगी तो उसमें हमने राजनीतिक कारणों पर चर्चा किया था कि सम पॉलिटिकल रीजंस वेर ऑकर्ड इन द रिवॉल्यूशन ऑफ द फ्रांस। यानी फ्रांस में वो ऐसा, फ्रांस में फ्रांस में ऐसा क्या था, वहां के सिस्टम में ऐसा क्या था, वहां की राजनीति में ऐसा क्या था जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हो गई। कुछ तो होता है बच्चों, कुछ तो होता है, क्रांति ऐसे नहीं होती।
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, और प्रॉब्लम्स जब इस मुकाम पे पहुंच जाती हैं कि अब उसको हटाने ही हटाना अब उसको हटाना ज़रूरी होता है, तो जनता सड़कों पे आती। तो फ्रांस के हालात भी ऐसे ही थे। ऐसा नहीं था कि फ्रांस के लोगों को अपने राजा से मोहब्बत नहीं थी, लगाव नहीं था, प्रेम नहीं था, स्नेह नहीं था। वहाँ के लोग अपने राजा की वहाँ के लोग अपने राजा की इज्जत नहीं करते थे, ऐसा नहीं था। वो बहुत इज्जत करते थे, लेकिन बच्चों एक लिमिट के बाद, एक सीमा के बाद इंसान की सहनशीलता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि फ्रांस में भी ऐसे ही था। बहुत पुराने जमाने से वहां राजशाही थी, लेकिन वहां के राजाओं ने कुछ इस तरीके से काम किया, कुछ ऐसे उन्होंने बिहेवियर दिखाए जिसकी वजह से वहां की जनता का अपने राजा के ऊपर से विश्वास उठ गया, वहां की जनता का अपने राजा के ऊपर से यकीन ही उठ गया, और इस तरह से जनता सड़कों पे आई। तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर वहां की राजनीति में ऐसा क्या था, वहां की राजनीति में ऐसा क्या था जिसकी वजह से लोग बिल्कुल सड़कों पर आ गए और राजशाही को खत्म करने की बात करने लगे। चलिए बच्चों, इसी की पड़ताल हम लोग कर रहे थे ना पिछले 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 क्लास में। अब हम थोड़ा सा और कुछ चीजों पे बात करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोगों की क्लास में सामाजिक व्यवस्था पर वर्णन होगा, लेकिन इससे पहले जो पॉलिटिकल रीजन है उसको हम कंप्लीट करते हैं। आइए चले, रेडी हैं? यू आर रेडी फॉर योर क्लास? क्या आप लोग अपनी क्लास के लिए तैयार हैं बच्चों? और मैं सभी बच्चों से ये गुजारिश करूंगा, जितने भी बच्चे यहाँ मेरे मौजूद हैं, ये क्लास हमने आपके कहने पे स्टार्ट किया। बहुत लंबे समय से बच्चों आप इस क्लास के लिए कह रहे थे, सो अब इस क्लास की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये क्लास आप लोगों की क्लास है। अब इसको आप लोग शेयर ज़रूर करिए, अपने जो सहपाठी हैं उनको बताइए कि भाई आप लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। चलिए आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग ना फ्रांस की क्रांति में राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे थे ना, कि आखिर चूंकि देखो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर होती है ना, तो उसके पीछे कोई एक रीजन नहीं होता, कई कारण विद्यमान होते हैं ना। उसमें से एक कारण था पॉलिटिकल रीजन, तो हम लोग उसी पर बात कर रहे थे। चलिए हेडिंग डालें, फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति में हम बात कर रहे थे तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, ठीक है ना बच्चों? चूंकि इस क्लास को हम लोगों ने लिया था पिछले वाले में, दैट इट वाज इनकम्प्लीट, वो पूरा नहीं हो पाया था कुछ कारणवश। अब इसको हम लोग पूरा करेंगे कि आखिर वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में आखिर वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा क्या था, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो राजतंत्र होता है उसमें तानाशाही जरूर होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजतंत्र में तानाशाही नहीं होती, तानाशाही होती है, लेकिन राजतंत्र कंप्लीटली राजा पर डिपेंड करता है, क्योंकि राजा सेंट्रल होता है, एक तरह से पूरे सिस्टम का वो हेड होता है। तो अगर राजा अच्छा है तो सब अच्छा है, और अगर राजा अच्छा नहीं है तो सब अच्छा नहीं है। राजशाही जो है ना वो एक ट्रेन की तरह होती है, इंजन बढ़िया है, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, और इंजन अगर बढ़िया नहीं है तो ट्रेन के डिब्बों में वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि इंजन को चला ले। समझ में आ गया बच्चों? तो यहां हम राजशाही की बात कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है? तो यहां पर ये था ना कि राजा की जो कंडीशन थी ना, धीरे धीरे फ्रांस पर उस समय बूर्बो राजवंश का शासन था, राजाओं की स्थिति धीरे धीरे खराब होती गई। मैंने बताया ही था पिछले क्लास में कि लुई 14वां बढ़िया था, लुई 15वां, लुई 16वां दोनों के दोनों अयोग्य थे। तो कहने का मतलब ये है कि पानी सर से ऊपर गुजर गया था। अब चलिए देखा जाए कि क्या था। कहा जाता है कि वहां पर, मतलब फ्रांस में, वर्साय
एक महल हुआ करता था बच्चों, इसका नाम है वर्साय। क्या आपने सुना है वर्साय का महल? क्या आप लोगों ने इसका नाम सुना है बच्चों? ये पेरिस से थोड़ी दूरी पर था, ठीक है। कहा जाता है कि इसमें सिर्फ नौकरों की संख्या, सिर्फ इसमें नौकरों की संख्या 18,000 थी। 18,000 केवल इसमें नौकर थे। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा महल होगा, ठीक है ना। और फिर इसमें जितने भी राजा, राजा के सामंत, राजा रानी सामंत जितने भी थे, सब ऐश करते थे, ठीक है ना। ऐश के जीवन जीते थे, मजे ही मजे थे इसमें। सारा पैसा यहाँ आता था और उस पैसे का पूरा खेल होता था। समझ में आ गया, मैंने फ्रांस की सोच लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि 18,000 सिर्फ नौकर थे। रानी की सेवा में केवल 500 नौकर लगे हुए थे, ठीक है, मारी अंतवानीत। और राजा की सेवा में और सामंतों की सेवा में और बड़े बड़े पादरियों की सेवा में, तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे खर्च किया जाता था। राजा और रानी मिलकर अनाप शनाप पैसे खर्च करते थे। बहुत बड़ी चीज़ है साहब कि एक नागरिक जो होता है किसी भी देश का, वो अपने राजा में बहुत निष्ठा रखता है। लेकिन अगर राजा उनके पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, दायित्व से परे है, दायित्व से हटके काम कर रहा है, तो लोगों को अखरता है। तो कहा जाता था, कहने वालों ने इतना तक कहना शुरू कर दिया था कि वर्साय के महल को फ्रांस के राजतंत्र की समाधि कहा गया। मतलब लोग इतने नाराज थे यहाँ पर होने वाले अय्याशी से, जो अय्याशी इस महल में चल रही थी, कि लोगों ने इतना तक कहना शुरू कर दिया कि ये फ्रांस के राजतंत्र की समाधि है। इतना ज़्यादा यहाँ पर अय्याशी थी, इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है गंदगी मची हुई थी, इस तरह के हालात थे यहाँ पर, इतनी ज़्यादा अपव्ययता थी। पैसे का अलग खर्चा है, समय की अलग बर्बादी है, ठीक है। और अय्याशियाँ यानी कह सकते हैं कि भोग विलास की ज़िंदगी जो है यहाँ पर लोग जी रहे थे। तो आप ये बताओ कि जनता भूख से मर रही है। फ्रांस की हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं था। वहाँ का राजा 18,000 नौकर अपने पास रखकर, बोलो 500 नौकर रानी की सेवा में, और जितने भी वहाँ के बड़े बड़े कुलीन लोग थे, पादरी लोग थे, सब इसके अंदर मौजूद थे। आप बताओ, कहने का मतलब है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ये हालात थे। तो थोड़ा सा हम लोग राजनीतिक स्थिति पे इसको लिखेंगे ना, यहाँ पे नोट तो करेंगे, बनता है कि नहीं बनता है, थोड़ा सा हम लोग नोट करें बच्चों, लिख लें इसको। वर्साय के महल के बारे में थोड़ा सा तो लिख ही लें कि यार कमाल की जगह थी, 16,000 से 18,000 यहाँ नौकर चा करते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। चलिए, वर्साय के महल की जो कैपेसिटी थी, लिखिएगा कि पेरिस से थोड़ी दूरी पर, पेरिस से थोड़ी दूरी पर वर्साय का महल था, ठीक है ना बच्चों, जहां पर राजा रानी है ना, सामंत नौकर चाकर रहा करते थे, सामंत पादरी नौकर चाकर, नौकर चाकर रहा करते थे, ठीक है ना बच्चों। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, आई विल सजेस्ट यू बिकॉज यू शुड यूज द यूपीएससी मेन्स कॉपी,
मतलब ना एक यूपीएससी की मेंस की कॉपी आती है मार्केट में, नाम सुना है कभी? उसमें रूलदार नहीं होता, वो रूलदार नहीं होती, वो बिल्कुल सादा होती है। समझ में आ रहा है? कोशिश करो आप लोग उस पर लिखने की आदत डालो। दो तीन चीजों तो बच्चे करना है। एक तो ये है कि आप लोग जो है वो टेनियर्स ले लीजिए मेंस के लिए, प्रिलिम के लिए आप लोग जो है 10 ईयर्स ले लो, 10 सालों का कोई भी अच्छा जो है सॉल्व ले लो, खास तौर से अरिहंत का। उसके बाद जो है ये मेंस की कॉपी ले लो और उसी के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन देखो कैसा पूछा गया है, फिर उसको लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना? और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर मिलिए। मेरे टेलीग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। तो नौकर चाकर रहा करते थे। यहां पर नौकरों की संख्या मात्र कितनी थी बच्चों? यहां पर नौकरों की संख्या मात्र 16,000 थी, यानी 2,000 राजा रानी सामंत पादरी थे और नौकर कितने थे? 16,000। इमेजिन करो बेटा, जिस महल में 16,000 नौकर चाकर हों उस महल का क्या कहना, अंदाजा लगाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतनी ठाट बाट थी। अच्छा, इसके अलावा यहां पर क्या था? भोग विलास, ठीक है, पैसे का अपव्यय, पैसे का अपव्यय होता था, ठीक है ना? राजा रानी अनाप शनाप कार्यों पर खर्च करते थे। अनाप शनाप कार्यों पर खर्च करते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर बताओ। देखो, मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग क्लास है ना? थोड़ा सा कुछ मजबूरियों के तहत जो है यूट्यूब पर लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई समस्या हो तो आप ना कहें। आपको अगर कोई बात पूछनी है मुझसे तो सीधे मेरे टेलीग्राम आईडी पर आइए और वहां पर मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? टेलीग्राम की आईडी यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां क्लिक करिए, सीधे आप टेलीग्राम से वहां पर क्लिक करिए, सीधे आप वहां पर क्लिक करिए, सीधे आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो समझ में आ गया बच्चों? तो अंदाजा लगाओ ना, एक बात बताओ कि इस तरह की अय्याशी का माहौल वर्साय के महल, अच्छा वर्साय का महल बहुत बड़ा था, बहुत सारी संधियां हुई हैं इस महल में, ठीक है ना? और ये पूरा शीशे का बना हुआ था, इसको जो है शीशे का महल भी कहा जाता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और बातों पर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा बात करें कि वहां फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या थी? जानना चाहेंगे ना आप कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे शासन चलता था, वहाँ क्या प्रॉब्लम थी? वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत प्रॉब्लम थी। राजा रानी तो ऐश कर ही रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी ऐश कर रहे थे। कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि जो है नीचे से जो लोग थे वो संभाले हुए थे, नहीं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम थी हर जगह। मतलब कहीं ये चीज़ होता है ना कि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, उसके कुछ ना कुछ कारण मौजूद होते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम लोग इसको मिटा लेते हैं बच्चों।
चलिए अब थोड़ा सा वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी एक नज़र डाल ही दिया जाए कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, हम लोग ये सारी चीज़ें राजनीतिक स्थिति में ही पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि देखो बच्चों ये डिटेल है, ये क्या है, ये कंप्लीटली डिटेल है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका प्री और मेंस दोनों लेवल पर क्लियर हो जाए। ब्रीफिंग में कभी करा दूंगा क्लासेस, है ना, क्वेश्चंस की ब्रीफिंग कैसे की जाती है, क्योंकि देखो जो बिखेर सकता है वही समेट सकता है, समझ में आ गया। सबसे पहले आदमी को बिखेरना सीखना चाहिए, उसके बाद उसको समेटिए। इसको हम लोग मिटा दिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देखिए वहां पर दो प्रकार के प्रांत थे, पूरे फ्रांस में कितने प्रकार के प्रांत थे, दो प्रकार के, समझ में आ गया। तो लिखेंगे कि फ्रांस में दो प्रकार के प्रांत थे, फ्रांस में दो प्रकार के प्रांत थे, ठीक है ना। ये पहला जो प्रांत था इसको गवर्नमेंट कहा जाता था, पहले प्रकार के प्रांत को क्या कहा जाता था, गवर्नमेंट। और इसकी संख्या कितनी थी, 40 थी। कितनी संख्या थी, 40। इसके जो हेड होते थे वो फ्रांस के बड़े बड़े कुलीन घरानों के लोग होते थे, है ना, कुलीन घरानों के लोग गवर्नर के पद पर आसीन थे। समझ में आ गया, बड़े बड़े लोग, समझ जाओ। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो गवर्नमेंट नाम की प्रांत होते थे ना, एक तो बड़े बड़े लोग थे इसमें, यहाँ के गवर्नर थे ये ना, इनका कोई भी हिसाब किताब नहीं था। ये बड़े बड़े सामंत थे जो यहाँ के पदों पर विराजमान थे। आप कह सकते हैं गवर्नर की जगह कौन था, सामंत ही थे, बड़े बड़े पदों पर विराजमान थे। और ये लोग ना अपने प्रांतों में ना रहकर, अपने प्रांतों की देख रेख ना करके सीधे वर्साय के महल में आराम से रहते थे और वहां पर ऐश का जीवन जीते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मैंने कहा ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी आदमी ऐसे आवाज नहीं उठाता, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो जो दिक्कत थी वो मैं बता रहा हूं कि फ्रांस में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो पहली प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि फ्रांस में दो प्रकार के प्रांत थे, एक प्रांत को हम गवर्नमेंट कहते थे, इनकी संख्या कितनी थी, 40 थी। यहाँ कुलीन घरानों के जो सामंत होते थे वो गवर्नर के पद पर विराजमान थे, इन लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं था, राजा इनसे कोई हिसाब किताब नहीं लेता, एक प्रकार से मानिए एकदम बिंदास। ये लोग आराम से वरसाई के महल में रहते थे, नौकर चाकर इनकी सेवा में लगे होते थे। क्लियर है, मतलब यहां तक हम कह सकते हैं कि इनका कोई लेना देना भी नहीं था, माने नो एनी कंट्रीब्यूशन टू द स्टेट, है ना, दिस टाइप ऑफ द स्टेट। ये इस प्रकार के प्रांत थे जिनका राज्य को कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। समझ में आ गया बच्चों, आर यू एग्री विथ मी, एनी प्रॉब्लम यू हैव, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, बोलिए। इसको नोट करिए जल्दी से, प्लीज नोट कर लीजिए बेटा इसको। अब ये तो एक प्रकार का प्रांत हो गया, अब हम लोग दूसरे प्रकार के प्रांत की बात करेंगे, मतलब इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये ऐश की जिंदगी जीते थे, राजा भी मतलब इनसे कोई सवाल जवाब नहीं था। कलर, नीरज पांडे, रोजी और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, समझ में आ रहा बच्चों। नोट करिए इसको, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रांत की बात करते हैं ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं।
अब दूसरे प्रकार के प्रांत की बात करते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, मिटा दिया। बहुत आराम से पढ़ना है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप आराम से इसको तैयार करिए। जो दूसरे प्रकार के प्रांत है ना, इनको इनको जनरते कहा जाता था। जनरते क्या कहा जाता था बच्चों? दूसरे प्रकार के जो प्रांत थे इनको जो है जनरालिते कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनरालिते। क्या कहा जाता था बच्चों दूसरे प्रकार के प्रांत को? जेनेरालिते। थोड़ा सा टेढ़ा सा नाम है यार, चूंकि फ्रेंच है ना तो इसलिए थोड़ा टेढ़ा नाम है। दूसरे प्रकार का जो प्रांत था इसको कहा जाता था जेनेरालिते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब नाम तो टेढ़ा है जरा सा, तो थोड़ा सा तो इसको मैनेज करना ही पड़ेगा ना। इन प्रांतों की जो संख्या थी वो 34 थी। कितनी थी बच्चों? 34। कलर हो गया। और इसके जो शासक थे उन्हें एतांदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एतांदा। क्या कहा जाता था बच्चों? एतांदा है ना। ये एक प्रकार से गवर्नर थे जिनको क्या कहा जाता था? एतांदा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी राज्य का जो खर्चा वर्चा था ना वो इन्हीं 34 प्रांतों से आता था। यही टैक्स पे करते थे राज्य को, राजा को जो टैक्स मिलता था ये यही 34 प्रांत पे करते। अब अंदाजा लगाओ आप कि 40 प्रांत ऐसे थे जिसका कोई हिसाबी किताब नहीं था। 34 प्रांत पर पूरे कर का बोझ था, राजा रानी का खर्चा वर्चा हर चीज यही लोग देखते थे। क्लियर? कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? नोट करिए, इसको लिखिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, जो एतांदा थे ना ये भी छोटे प्रकार के जो है, मतलब एक तरह से कुलीन ही लोग थे। एक्चुअली में वो जमाने ही ऐसा था कि गवर्नर के पदों पर कुलीन लोगों को ही बैठाया जाता था। वो टाइम ही ऐसा चल रहा था। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये था कि ये लोग जो एतांदा थे ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे, लेकिन इनकी शक्तियों पर किसी प्रकार का बैन नहीं था। ये भी मनमानी ही करते थे, हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम लिखेंगे कि राज्य का खर्च इन्हीं प्रांतों से चलता था। राज्य का खर्च इन्हीं प्रांतों से चलता था। कलर? जो एतांदा थे ये मनमौजी टाइप के लोग थे, इन पर भी राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। कुलीन लोग थे, कुलीन लोग थे, यही टैक्स इकट्ठा करके राजा को देते थे, लेकिन अपना फायदा, अपनी आय बनाने के लिए ये लोग हमेशा प्रयासरत रहते थे। तो इट वॉज अ स्टेट सिस्टम, इट वॉज द डिविडिशन ऑफ द फ्रेंच, इट वॉज ए स्टेट सिस्टम ऑफ द फ्रेंच। ये फ्रांस का स्टेट सिस्टम था बच्चों ना, इट वॉज ए स्टेट सिस्टम ऑफ द फ्रांस। तो इसको नोट करेंगे सबसे पहले। अब सबसे बड़ी चीज है समझना, है ना। दिस इज अ वेरी मेजर, योर अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी मेजर। ये सबसे ज्यादा बच्चों जरूरी है कि आप इसको समझ जाएं तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में प्राचीन काल से ही स्थानीय सुशासन जैसी बात रही भारत में। फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ जो है वो बड़े बड़े सामंतों के द्वारा रेगुलेट था और राजा के द्वारा रेगुलेट था। हर चीज राजा के हाथों में मौजूद था, तो ये भी बड़ी दिक्कत थी। वहां के लोग काका गागा भी नहीं जानते थे, बहुत अच्छी तरह से चीजों को चलाना नहीं जानते थे। अब एक चीज और बच्चों आपसे बात करेंगे,
हम कानून व्यवस्था की बात करेंगे। देखिए साहब, कानून एक जंगल में और शहर में अंतर क्या है? जंगल में जानवर रहते हैं और वहां कोई कानून नहीं होता, शहर में इंसान रहते हैं और शहरों में कानून पाया जाता है ना। कानून इंसान को एक दायरा देता है कि आपको कैसे रहना है ना, किन किन बातों का ख्याल रखना है, कब निकलना है, कब घर में रहना है। कानून आपको एक दायरा देता है, आप अगर चल रहे हैं तो दाएं चलना के बाएं चलना, ये कानून बताता है। तो जिस देश में कानून का शासन होता है उस देश के लोग सभ्य होते हैं। भाई सभ्य कैसे लोग होते हैं? जिस देश में कानून का शासन होता है उस देश में लोग सभ्य होते हैं। समझ में आ गया? अब इंग्लैंड की अगर कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा बच्चों टिपिकल था, बहुत ही ज्यादा अलग था। वहां पे कानून तो था लेकिन कानून में एकरूपता का अभाव था। एकरूपता मतलब, अब कोई देश है तो पूरे देश के लिए एक ही कानून होता है ना बच्चों, कि दिल्ली शहर के लिए अलग कानून है तो दूसरे शहर के लिए अलग कानून है, ये हाल था। मतलब किसी ने लिखा था, एक बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा, वाल्टेयर नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े विचारक। उन्होंने कहा कि फ्रांस में कानून ऐसे बदलते हैं जैसे आपके गाड़ी में घोड़े बदलते। उस जमाने में घोड़ा गाड़ी चलता था ना यार, तो ये 1789 ईस्वी की बात हो रही है, तो दिस टाइम वॉज द बुलेट कार्ट वगैरह चलता था, घोड़ा गाड़ी चलता था। ओके, तो क्या कहा वाल्टेयर ने कि फ्रांस में कानून व्यवस्था का ये आलम है कि यहां एक शहर से दूसरे शहर में, एक यहां यहां एक शहर से दूसरे शहर में कानून ऐसे बदलता है जैसे आपकी गाड़ी गाड़ी में घोड़े बदलते हैं कलर। तो एक रूपता का बड़ा अभाव था। अब जैसे मान लीजिए आप दिल्ली शहर में आप आए, आपने यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मालूम किया कि इट इज़ अ लॉ एंड ऑर्डर, इट इज़ अ लॉ ऑफ द दिल्ली, यहाँ पे ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है। अब दिल्ली के जस्ट बगल में गाजियाबाद आप जा रहे हो तो गाजियाबाद का कानून अलग है, वहां आप गए तो दिल्ली का आपने कानून लॉ एंड दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया, वहां पे आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि यार व्हाट आर यू डूइंग यार, दिस इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द गाजियाबाद। अब तो आप फंसे गए यार, दिल्ली में तो हमने ऐसा कानून देखा, यहाँ पे ऐसा देखा। अच्छा गाजियाबाद में मान लो आपने सॉरी वगैरह बोला, फिर आप गाजियाबाद से निकल गए दूसरे शहर में, वहां पहुंचे तो वहां पुलिस ने फिर पकड़ लिया, कहा कि ये तो इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो आप क्या हो जाओगे? यू विल कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, अरे यार ये कौन सा कानून है कि इस शहर में कुछ और इस शहर में कुछ और है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है यार, स्टेट में कानून बदले तो चलो पता चलता है, शहरों में कानून बदल रहा है। तो फ्रांस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां के कानून में एकरूपता नहीं थी, वहां के कानून में एकरूपता का अभाव था। वॉल्टेयर ने कहा था कि फ्रांस में कानून एक शहर से दूसरे शहर में जाने में ऐसे बदलते हैं जैसे आपकी गाड़ी में आपकी बग्घी में घोड़े बदलते हैं कलर। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसी चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं इसको। चलो बच्चों इसको नोट किया जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मिटाया जाए। सबसे पहले तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ्रांस की कानून व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। चलिए, चूंकि ना मेरी कोशिश ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाए। लिखना एक समझ जाए इंसान तो लिखना, फिर आप नोट तो कर ही लेंगे। चलिए हम लिखेंगे कि फ्रांस के कानून में
एक रूपता का अभाव था, यही तो है ना, एक रूपता का अभाव था, ठीक है ना बच्चों। एक शहर में कोई और कानून, तो दूसरे शहर में कोई और कानून, ठीक। विद्वान वाल्टेयर के अनुसार, विद्वान वाल्टेयर के अनुसार फ्रांस में कानून ऐसे बदलते हैं जैसे आपकी गाड़ी में घोड़े। आपकी गाड़ी में घोड़े, करेक्ट। क्योंकि देखिए, मैंने राइटर का नाम भी लिखवा दिया। कभी कभी यही हो जाता है कि राइटर के नाम से ही कोटेशन पूछ दिया जाता है। आप मेंस लिखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ राइट। और नोट करने के बाद आप कह दीजिए हो गया, या फिर डन लिख दीजिए प्लीज। नोट कर लीजिए इस लाइन को। आप सोच लीजिए, फ्रांस में ये था, दिदरो और वोल्टेयर, ये फ्रांस के दो बहुत बड़े ग्रेट चिंतकों के नाम है, विद्वानों के नाम है। कहा जाता है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर का ये आलम था कि अगर कोई सुधारों की बात कर दे, उठा के सीधे उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। दिदरो और वोल्टेयर ये इतने बड़े चिंतक थे, इनको उठाकर बास्टिल के दुर्ग में बंद कर दिया गया, क्योंकि बोल रहे थे। तो चलो भाई, आओ मैदान में आओ। तो ये हालात थे कि वहां पर कोई बोल नहीं सकता था, बोलने वाले को सीधे उठाकर जेल की सलाखों में डाल दिया जाता था। अच्छा, जो कुलीन लोग थे, जो सामंत थे, उनके लिए कोई कानून नहीं था, उन्हें कभी सजा मिलती ही नहीं थी। सजा किसको मिलती थी? सामान्य लोगों। आप हैरान हो जाएंगे कि कानून क्या कोई सिस्टम होता है कि नहीं। कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। कुलीन लोगों को कोई कानून नहीं था, उनको कोई सजा नहीं मिलती थी, सामंतों को कोई सजा नहीं मिलती थी, मिलती किसको थी? सामान्य लोगों को। अब वॉल्टेयर और दिदरो इतने बड़े विचारक थे, इनको उठाकर बास्तील के दुर्ग में बंद कर दिया। अच्छा, एक चीज और था कि राजा की तरफ से एक मतलब एक प्रकार की मुद्रा जारी की जाती थी, जिसमें जिसको जो खरीद लेता था वो किसी भी आदमी का नाम लिखकर उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करवा सकता था। यार, ये चीज सुन के तो हैरानी होती है कि यार ऐसा भी होता है क्या, है ना। मुद्रा, राजा की तरफ से एक मुद्रा जारी होती थी, अगर आप उसको खरीद लें और किसी आदमी का नाम लिख दें, थानेदार को दे दें, तो वो सीधे सीधे उसको लिए वारंट निकल जाता था, उसको गिरफ्तार करके लाके जेल में बंद कर दिया जाता। तो आप इसको क्या कहोगे? ये कोई लॉ एंड ऑर्डर है? ये कोई कानूनी व्यवस्था है क्या यार? कुछ लोगों के लिए कोई कानून है ही नहीं है। कानून किसके लिए है? सामान्य लोगों के लिए कानून है, जो दिन रात मेहनत करके स्टेट के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए जो है कुछ जुटाते हैं, उनके लिए कानून है। और बाकी जो बड़े लोग हैं, जो सामंत हैं, जो एलीट क्लास है, उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। तो क्या कहेंगे आप इसको? अब आप जो भी अपने शब्दों में कह लीजिए। क्लियर है बच्चों? ये चीज समझ में आ गया? बोलो, इट्स क्लियर? नो एनी इश्यू, नो एनी प्रॉब्लम?
ये लिख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिया तो प्लीज़ मुझको बताइए कि आपने लिख लिया, और इसको हम लोग मिटा लेते हैं, और मिटाने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बहुत बड़े थिंकर हैं कैटलबी। कैटलबी लिखता है कि फ्रांस में कानून जो है शासकों की इच्छा पर निर्भर था, मतलब वो चाहे तो कानून है और चाहे तो नहीं है। तो हम कैटलबी की जो लाइन है वो भी लिख डालते हैं। तो चलिए इसको नोट भी कर देते हैं हम लोग कि एक बहुत बड़े विचारक कैटलबी के अनुसार फ्रांस का कानून शासकों की इच्छा पर निर्भर था। अच्छा उसको आप लोग नोट करेंगे, और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको देखने से आपके आप आपकी समझ जो है बढ़ेगी। कैटलबी के अनुसार, बहुत बड़ा थिंकर है कैटलबी, कहता है कि फ्रांस में कानून कैटलबी क्या कहता है बच्चों, फ्रांस में कानून शासकों की इच्छा पर निर्भर था। शासकों की इच्छा पर निर्भर, करेक्ट? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एंड यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, देन यू शुड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ओके? अंडर द यूट्यूब इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, यू कैन गो देयर एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम आईडी। सो प्लीज, और बच्चों ये क्लास मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है ना, इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोग इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को इनवाइट करिए क्लास में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़ें, करेक्ट? अब जो है, चूंकि आपने देख लिया ना कि इट वाज़ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द लॉ एंड ऑर्डर इन फ्रांस दैट टाइम, तो आपको क्या लगता है, इस तरह के हालात को देखकर, इस तरह की कंडीशन को देख के आपको क्या लगता है कि फ्रांस में अब तब की स्थिति मची हुई थी? अब चलिए, ये तो पॉलिटिकल सिचुएशन था, अब हम लोग सोशल सिस्टम पर भी बात करें, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर कारण मिलकर किसी चीज़ को जन्म देता है, किसी चीज के होने में है ना कोई एक कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इसमें हम लोग सामाजिक व्यवस्था की बात करें ना बच्चों, यहाँ पर देखिए ना, फ्रांस की क्रांति, सामाजिक व्यवस्था, ये चीज़ हम लोगों ने लिखा है। तो आइए चलिए देखा जाएगी फ्रांस की जो सोशल सिस्टम था, आखिर उसमें क्या इश्यूज थे, उसमें क्या प्रॉब्लम थे, करेक्ट है? चलिए, यू आर रेडी नाउ, हम लोग डिस्कस करें इसको, ओके? तो फ्रांस की क्रांति, सामाजिक व्यवस्था, अब आप हेडिंग डालेंगे पहले, और हेडिंग डालने के बाद हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ यार, पानी वानी पी लो, चाय वगैरह पी लो, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए,
तो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था पर हम लोग बात करें, ठीक ना। तत्कालीन फ्रांस की क्रांति में हम लोग अब बात करेंगे फ्रांस की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम ऑफ द फ्रांस इन दैट टाइम, क्योंकि उसी समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमको जानना है। हेडिंग डालेंगे और नोट करेंगे बच्चों। फ्रांस की क्रांति तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था। तो देखिए, देखा जाए ना तो फ्रांस के समाज को हम सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटेंगे। तीन भागों में बांटा जा सकता है बच्चों, नोट करेंगे। अच्छा, पहला जो भाग है हम ले रहे हैं, पहला जो भाग है वो है कुलीन वर्ग का, सॉरी पहला जो भाग है वो है पादरी, ठीक। दूसरा जो भाग है वो है कुलीन वर्ग, और तीसरा जो भाग है वो है सर्वसाधारण समाज। ठीक है ना बच्चों, बांट दीजिए इसको, लिख दीजिए, नोट कर लीजिए इसको। पादरी, कुलीन वर्ग और तीसरे नंबर पर सर्वसाधारण समाज। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग सबसे पहले ना पादरी वर्ग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में पादरी जो लोग थे वो धार्मिक लोग थे, है ना। ये वर्ग पूरी तरह से एक रिलीजन बेसिस वर्ग था, लेकिन कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर सोसाइटी में किसी को सुविधा थी तो पादरियों को थी, है ना। बहुत बड़ी चीज़ है ये, समझ लीजिए कि फ्रांस के समाज में सर्वोच्च जो पद था वो पादरी का था। फ्रांस के समाज में सबसे ज्यादा जो इज्जत थी वो पादरियों को थी, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं कि फ्रांस की कुल 2.5 करोड़ आबादी में वहां की जमीन का 20% जो है वो पादरियों के पास था। यानी पादरी आप कह सकते हैं कि फ्रांस की टोटल आबादी का मात्र 1% थे, लेकिन वहां की प्रॉपर्टी का 20% इनके पास था। समझ में आ गया बच्चों। तो ये चीजें हम लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, ये भी था कि भाई इनका मामला बड़ा गया अलग था। पादरी जो थे ये अलग से चर्च का अपना टैक्स लगता था, अपना कर लगता था, है ना, अलग से किसानों से कर लेते थे। तो हम एक चीज़ कहेंगे कि ये पादरी और जो कुलीन वर्ग थे, इतना मान लीजिए कि लगभग फ्रांस की आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा था, जो वहाँ की प्रॉपर्टी का, वो इन दोनों के पास था। सर्वसाधारण समाज के पास बहुत कम प्रॉपर्टी थी। फ्रांस की सुविधाओं का टोटली जो कंजप्शन था वो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग करते थे। समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना
मतलब एक चीज हम लिखेंगे कि 2.5 करोड़ अगर फ्रांस की आबादी थी तो उसमें से देखा जाए तो 20% जो प्रॉपर्टी थी वो पादरियों के पास थी, ठीक है, और जो कुलीन वर्ग था बाकी उनके पास थी। आम लोगों के पास बहुत कम प्रॉपर्टी बची हुई थी। अच्छा, ये लोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग थे, तो चलिए आइए बात किया जाए पादरियों के बारे में, ठीक ना। सबसे पहले हम पादरियों की बात करेंगे। चलिए, तो फ्रांस की समाज का एक वर्ग हम लोग उठा रहे हैं, पादरी वर्ग, इसको हम लोग मिटा देते हैं और उसके बाद हम लोग लिखते हैं पादरियों के बारे में। तो समाज का पहला जो भाग था वो क्या था? पादरी। आपको बताइए पादरी किसको कहते हैं? पादरी जो है ये चर्च में जो लोग प्रार्थना कराते हैं उन्हें पादरी कहा जाता है, ठीक ना। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर देखिए, हम पादरियों को अगर देखें तो राज्य की आय का जो आधा भाग था ना वो पादरियों को जाता था। समझ में आ गया बच्चों? राज्य की आय का लगभग आधा भाग पादरी वर्ग को प्राप्त था। समझ में आ गया बच्चों? यहां तक कि जो है किसान जो होते थे ना वो भी इनको टैक्स देते थे, यानी जो चर्च होते थे उनकी अपनी जमीनें होती थी, किसानों को टैक्स देना पड़ता था। तो नोट करेंगे कि किसानों को इन्हें भी टैक्स देना पड़ता था, इन्हें भी कर देना पड़ता था। इसको जल्दी जल्दी नोट करेंगे आप लोग, लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? और क्या खासियत थी पादरियों की? इनके पास कुल देश की 20% भूमि थी, 20% लैंड इन पादरियों के पास मौजूद थी। आप अंदाजा लगाइए, पूरी कंट्री का 20% जो भूमि था वो पादरियों के पास था, ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, कितनी ज़्यादा ये लोग जो है वो प्रॉपर्टी वाले लोग रहे होंगे फ्रांस में। भाई पादरी का काम क्या है? प्रार्थना कराना है ना, धार्मिक चीज़ों का नेतृत्व करना। और पादरी क्या कर रहा है? 20% भूमि का मालिक कौन था? पादरी था। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि फ्रांस के पादरियों के पास राज्य की 20% भूमि थी। राज्य की 20% भूमि थी, ठीक है बच्चों। अतः इस समूह को या चर्च को, यानी जो फ्रांस का चर्च था, अतः फ्रांस के चर्च को
राज्य के भीतर राज्य कहा गया, राज्य के भीतर राज्य कहा गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए। यानी इतना बड़ा प्रॉपर्टी था इनके पास, इतना ज्यादा इनकी सोर्स ऑफ इनकम इतनी स्ट्रांग थी कि कहने वालों ने ये कह दिया कि ये जो चर्च हैं फ्रांस के, ये राज्य के अंदर राज्य के बराबर हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्या कहा गया? राज्य के भीतर राज्य कहा गया। अच्छा, ये जो टैक्स लेते थे इसको धर्मांश कहा जाता था, समझ में आ गया? धर्मांश, ये जो कर देना पड़ता था ना किसानों को, इसको क्या कहा गया? धर्मांश। एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसे एक मान लीजिए कभी प्रश्न आए कि चर्च को राज्य के भीतर राज्य क्यों कहा गया, तो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। एक तो इतना बड़ा लैंड था इनके पास, इतनी प्रॉपर्टी थी, क्लियर। दूसरी चीज यह है कि शिक्षा से लेके जन्म मृत्यु का पंजीकरण हो, है ना, एजुकेशन है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये कौन तय करता था? चर्च तय करता था। ठीक है, किसी चीज को सेंसर लगाना हो वो चर्च करता था। तो इतनी ज्यादा जो अथॉरिटी थी वो ये बात साबित करती है कि वाकई में चर्च राज के भीतर राज्य था। हम लोग लिखेंगे कि चर्च के पास अधिकार बहुत थे। चर्च के पास काफी अधिकार थे, है ना। क्यों इसको राज्य के अंदर राज्य कहा गया? काफी अधिकार थे इसको, है ना। जैसे मान लीजिए शादी है, विवाह है, जन्म है, मृत्यु है, क्या पढ़ना, मैंने जैसे शिक्षा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ इनके पास था। क्लियर हो गया बच्चों? नोट कर लीजिए। अब आपको बताऊं कि ये जो पादरी वर्ग था ना, ये दो भागों में बटा था। एक थे उच्च पादरी और एक थे निम्न पादरी। जो उच्च पादरी थी, ये जितनी अथॉरिटी मैंने आपको बताई है ना, ये सब ऊपर जो लिखाया है ये सब इनके लिए था, नीचे वालों के पास कुछ नहीं था। हजारों जो चर्च थे, हजारों जो चर्च थे फ्रांस में, उसको निम्न पादरी नियंत्रित करते थे, उसकी देखरेख करते थे, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। ना तो जमीन था, ना जायदाद था, ना पैसा था। बड़े ही मुश्किल दौर में ये अपना काम करते थे, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं से देखिए साहब, जब फ्रांस के हालात बिगड़े, लोगों के पास भुखमरी की स्थिति आ गई, खाना नहीं था, रोटी नहीं था, तो लोगों ने ये देखा कि कमाल है, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी चर्च के पास है, इनके पास इतना है कि ये मतलब बहुत ज्यादा है, और आम लोगों के पास। तो ये फ्रांस के समाज का मामला था।
आप देख लिए, जिसमें हम लोगों ने जो पादरी वर्ग था उसके बारे में बताया। कहा जाता है कि ये लोग बड़ी विलासमय जीवन जीते थे, जो पादरी थे बहुत ही विलासिता का जीवन जी रहे थे, ऐश की जिंदगी जी रहे थे। समझ में आ गया? तो पादरियों से इस तरह की चीजों की आशा तो नहीं की जा सकती ना। तो पादरी लोग विलासिता का जीवन फ्रांस में जी रहे थे, जो हायर क्लास के पादरी थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस पर अभी हम लोगों ने केवल और केवल पादरी वर्ग की बात की है ना, कि पादरियों की क्या स्थिति थी। पादरियों में दो वर्ग थे, एक जो पादरियों का वर्ग था वो बड़ी ही विलासिता का जीवन जी रहा था, उसके पास राज्य की 20% टोटल भूमि थी, वो धर्मांश लेता था किसानों से, उसके उसके अधिकार बहुत ज़्यादा थे, है ना। जो निम्न किस्म के पादरी थे जिनकी संख्या ज़्यादा थी, जो हज़ारों चर्चों में थे, जो हज़ारों चर्चों को संभाल रहे थे, है ना, जो निम्न पादरी थे उनकी स्थिति बड़ी ज़्यादा दयनीय थी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक चीज़ें? तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही हम लोग बात करेंगे। और बच्चों थोड़ा सा आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगा कि जो स्पेशल क्लासेस मैंने ली हुई हैं, इन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये मैंने आप लोगों के लिए लिया हुआ है। इसमें जो है आधुनिक भारत का इतिहास प्री और मेंस सबके लिए है ना। तो ये जो क्लासेस है ना बच्चों, ये क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिए। देखिए विश्व का इतिहास अमेरिका की क्रांति तात्कालिक कारण, विश्व का इतिहास अमेरिका की क्रांति स्वतंत्रता की घोषणा, 1857 की क्रांति, मतलब ये पूरे मुख्य परीक्षा पर आधारित जो क्लासेस हैं, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए, वो मैंने स्पेशल क्लासेस में लिया हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप जाइए सीधे अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर आप मुझे सर्च करिए MOHD NADIM यानी मोहम्मद नदीम, और आगे आप लिख लीजिए स्पेशल क्लासेस। क्या लिखेंगे बच्चों? स्पेशल क्लासेस। जैसे ही स्पेशल क्लासेस खुल के आए, वो सारे जो क्लासेस होते हैं ना वो फ्री होते हैं, तो आप सबसे पहले इन क्लासेस को ज़रूर देखिए। और वर्ल्ड हिस्ट्री पर जो हम लोगों की ये क्लासेस हैं, ये लगातार जारी रहेंगी, पूरे महीने जारी रहेंगी, और आप लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। और जो बच्चे अनअकैडमी पर एडमिशन लेने जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप रेफरल कोड बेटा ज़रूर लगाना, नहीं तो अगर आप रेफरल कोड नहीं लगाओगे तो 10% आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और रेफरल कोड क्या है? MNUS, ठीक है ना। इस समय कम्बो ऑफर वगैरह बड़ी ज़बरदस्त चल रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए अनअकैडमी की जो फीस है वो हाइक होने जा रही है, ठीक है ना, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। तो आप यहाँ पे देखिए सीधे सीधे 14% की छूट आपको मिलेगी अगर आप 3 साल के लिए एडमिशन लेते हैं, 1 साल के लिए 9%, 2 साल के लिए 11%, 3 साल के लिए 14% की छूट आप लोगों को मिलेगी। तो ये एक अच्छा मौका है। इसमें क्या है कि जीएस और ऑप्शनल दोनों मिलेगा आपको, है ना। अगर आप इतनी फ़ी पे करते हैं तो इसमें जीएस और ऑप्शनल आपको दोनों मिलेगा, वरना जीएस की फीस, और ये भी कितना है, 1 साल के लिए देखिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, पूरा जो भी आप बेहतर समझे। अब इसमें यही है कि अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हो MNUS तो इसमें आपको 10% की जो छूट है वो भी मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, इट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू अगेन, ये फिर से एक बार आपको गोल्डन चांस मिला है। तो आप जल्दी करिए इससे पहले कि ये ऑफ़र ख़त्म हो जाए। आप जो है 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लीजिए, एडमिशन लीजिए और अपनी पढ़ाई को पूरा करिए, ठीक है बच्चों। तो इसका बेनिफिट उठाना है ना, ये आप देख लीजिए यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा हुआ है। मात्र 70,153 रुपीज़ में जो है आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों मिलेगा, अपने मनचाहे एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। रेफरल कोड जब आप लगाओगे MNUS तो 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया यार, ये तो तकरीबन मान के चलो कि
24% का जो है ऑफर टोटल टोटल, तो बहुत बड़ी बात है, इसको करना है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी। अगर आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही है ना, हम लोगों की मुलाकात फिर होगी सुबह में, हम लोग फिर मिलेंगे अपनी क्लास के साथ। और टाइमिंग बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं, टाइमिंग जो क्लास की है वो है सुबह में 11 बजे से आप क्लास को कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, शाम को आप 6:30 बजे से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 6:30 PM पे, ठीक है ना। तो हम लोगों की मुलाकात लगातार होती रहेगी, इस पूरे महीने हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पे क्लासेस लेंगे, करेक्ट। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।